अगला टॉपिक देखते हैं, और अगला टॉपिक ये है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जब हम पढ़ाई करते थे FYGC SYGC में, HSC की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त हम लोग जर्नल बनाते थे, जर्नल के बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते थे, फिर लेजर के बाद हम लोग उसमें से ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और ट्रायल बैलेंस में हम लोग दोनों तरफ का देखते थे, डेबिट क्रेडिट सेम आना चाहिए था। ट्रायल बैलेंस में हम लोग दोनों तरफ का बैलेंस चेक करते थे कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं, और जब वो दोनों तरफ का बैलेंस टैली नहीं होता था तो हम मानते थे कि हमारी कहीं ना कहीं पोस्टिंग में गलती हुई है लेजर्स में। बट टैली में ऐसा नहीं है, टैली में बहुत ही अच्छे से आपका जो बैलेंस है वो टैली होता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में आपको जाना कैसे है। यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पे जब आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों तरफ का 2,77,270 270 आ रहा है, यहाँ का भी 2,77,270 आ रहा है। खाली आपको करना यह है कि जब आप लेजर्स क्रिएट करते हो तो उसको बराबर ग्रुप में क्रिएट करना है, उसको अंडर द जो भी ग्रुप के अंडर में ले रहे हो वो ग्रुप को आपको सिलेक्ट प्रॉपरली करना है। तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टैली में ये अपने आप ट्रायल बैलेंस बन जाता है, हमें बनाना नहीं पड़ता है। जस्ट जब हम एंट्रीज करने के लिए क्रिएट कर रहे चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको करंट असेट्स दिख रहा है, ये ट्रायल बैलेंस का ही पार्ट है, तो करंट असेट्स दिख रहा है। करंट असेट्स देखिए, इसमें सन्ड्री डेटर्स है, प्रॉपर है, कैश इन हैंड प्रॉपर है, ये सब तो ग्रुप सी है, बट आप सन्ड्री डेटर्स का जो है ये वाले जो आपके ये आपकी पार्टीज है वो आप बराबर क्रिएट कर रहे हो या नहीं। अगर आप क्रेडिटर को डेटर्स में क्रिएट कर रहे हो तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा, तो आपको ये प्रॉपरली करना है क्रिएट। जब आप क्रिएट करते हो तो वो चीज़ें आपको प्रॉपरली क्रिएट करनी है, तभी आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा प्रॉपर। टैली में आप गलती करोगे तो आपको वो आपका ट्रायल बैलेंस भी अफेक्ट होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी अफेक्ट होगा, और आपकी बैलेंस शीट भी अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर होता सब कुछ ऑटोमेटिक है, बट खाली हमको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम लोग प्रॉपरली चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये बराबर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरेस्ट है लोन पे, इंटरनेट चार्जेस है, ये सैलरी अकाउंट है, स्टाफ वेलफेयर है, टी एक्सपेंस है। तो चीज़ें क्रिएट करनी प्रॉपर वे में ज़रूरी है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को आप इनडायरेक्ट इनकम में क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप गलत कर रहे हो। तो चीज़ें अगर आप प्रॉपरली क्रिएट करोगे, आप जो लेजर्स है वो प्रॉपर अंडर अंडर द ग्रुप, जिस जो भी ग्रुप में क्रिएट कर रहे हो वो प्रॉपर क्रिएट करोगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बनता है टैली में। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल हम लोग ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में मेन मेन चीज़ें क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, आपका असेट्स होता है, यहाँ पे देख सकते हो लाइबिलिटीज़ है, असेट्स है, सेल है, परचेज है, एक्सपेंस है, इनकम है, यही चार पांच चीज़ें होती है आपके ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पर आप कॉन्फिगर में जाके इसको लेजर वाइज भी देख सकते हो, कंट्रोल ए करते हैं तो ये देखिए पूरे का पूरा लेजर वाइज ओपन हो रहा है, तो लेजर वाइज भी आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस को, और भी आप इसमें चेंजेस लेके आके देख सकते हो। कॉन्फिगर में जाओगे, इसमें आपका ओपनिंग बैलेंसेस आएगा नहीं, बिकॉज मैंने न्यू कंपनी क्रिएट की, अभी 23-24 की कंपनी है, ये 22-23 में ये कंपनी थी नहीं, तो ये वाले पूरे कोर्स में मैंने सिर्फ एक ही कंपनी रखी है जो अभी करंट ईयर में चल रही है। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज रख के आप यहाँ पे डिटेल्ड कर सकते हो, और एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल्स फॉर्मेट अगर करोगे और कंट्रोल ए कर दोगे तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ आपको डिटेल्ड वे में दिखेगी ट्रायल बैलेंस में। यहाँ से आपको बराबर पता चलेगा कौन सी चीज़ें, लोन्स लाइबिलिटी है, सिक्योर्ड लोन हो गया, बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट, सिक्योर्ड लोन अभी हम लोगों ने जब लोन का देखा था तो बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट को हम लोगों ने क्रिएट किया था सिक्योर्ड के अंडर में, और अनसिक्योर्ड को हमने विशाल लोन अकाउंट में क्रिएट किया था। तो लाइबिलिटीज़ में वही चीज़ें आएगी जो हमें पेमेंट करनी है, जो हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में यही सब आता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, प्रोविजंस है, तो प्रोविजंस हमारे क्लियर है, यहाँ पे हमने क्लियर किए थे जब जब हमने प्रोविजंस बनाए थे। यहाँ पे देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, ये एसेट साइड आ गया अपना, फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 40,000 की हमने एंट्री की थी जब फर्नीचर खरीदा था। करंट असेट्स है, करंट असेट्स में यही सब आता है, ओपनिंग स्टॉक वगैरह, यहाँ पे कैश इन हैंड आता है, कैश आता है, डेटर्स आता है, ये हमारे सब करंट असेट्स होते हैं, सेल अकाउंट है, परचेज है, और एक्सपेंस और इनकम है। तो ट्रायल बैलेंस अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो यही है आपका, इसमें सेल अकाउंट दिखेगा, परचेज अकाउंट दिखेगा, यहाँ पे आपका इनकम दिखेगा, एक्सपेंस दिखेगा, और लाइबिलिटीज दिखेगी, और असेट्स दिखेगा। तो ट्रायल बैलेंस इन शॉर्ट अगर समझना है, टैली सब अपने आप बना लेता है, जस्ट आपको जब क्रिएशन करते हो कोई भी चीज़ की तो उसका ध्यान प्रॉपरली रखना है। तो ट्रायल बैलेंस मैंने आपको यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन किया, इसमें मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, और अभी हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस।